दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विशाल शुक्ला में दोस्तों टाइम एंड वर्क की सीरीज में हमने पांच पोर्शन पढ़ चुके हैं, पांच वीडियो आ चुकी हैं। आपको बेसिक से देखना हो तो पहले उन वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें, इसीलिए हम सीरियल वाइज नंबर वाइज चल रहे हैं। आज हमारी सीरीज चल रही है, आगे बढ़ रही है, टाइम एंड वर्क सिक्स, छठा पोर्शन है टाइम एंड वर्क का। बिल्कुल एक बढ़िया से सवाल से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आया हुआ सवाल है, देखिए सवाल में कह रहा है कि ए और बी की जो है इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है आपको 3:7, 3:7, क्लियर है। कह रहा है ये दोनों मिलकर किसी काम को 10.5 दिनों में खत्म कर देते हैं। They can complete the work together in 10.5 days. फिर आगे कह रहा कि ये 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य का 60% अकेले ए कितने दिनों में करेगा। ध्यान से फिर से समझिएगा, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:7। ये दिनों की संख्या नहीं, आपको इफिशियंसी दे रखी, दक्षता। कह रहा है दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 10.5 डेज, 10.5 दिनों में काम पूरा हो जा रहा है। ये 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया। शेष कार्य का 60% ए कितने दिनों में करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखो आप, ये दोनों मिलकर 10.5 दिनों में कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, 3:7, तो इनकी इफिशियंसी हो गई 10। अब इन्होंने 10.5 दिन काम किया तो टोटल वर्क यूनिट कितनी हो गई, 105। तो यहां से आपको टोटल काम निकल गया 105 यूनिट। अब इन्होंने 8 दिन काम किया ए और बी ने, तो ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं, 10। 8 दिनों में इन्होंने कितना काम निपटा दिया, 80। तो कितना काम बच गया, 25। अब इस 25 का 60%, 60% का मतलब 3/5, तो काम 60%, तो टोटल काम कितना बच गया। देखिए 25 का 60% है तो टोटल काम कितना बच गया, 15 यूनिट, क्लियर है। अब इसी को कह रहा है कि ये कितने दिनों में पूरा करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो आंसर कितना है क्या भाई, 5 दिन। समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, ए और बी की इफिशियंसी थी 3:7, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं 10। अब ये 10.5 दिनों में काम पूरा करेंगे, काम कितना था, 105। इन्होंने 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक, तो 105 में 80 काम इन्होंने निपटा दिया, काम कितना बच गया, 25। अब ये 25 काम का 60% करना है, 25 का 60% कितना हुआ, 15। करेगा कौन, ए, ए 3 करता है, कितना दिन लगेगा, 5 दिन। अब देखिए सवाल बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मैं ये क्यों निकालू 105, मैं 80 क्यों निकालू। अब ध्यान से देखो कि ए और बी 8 दिनों तक काम किए, टोटल काम ये 10.5 दिनों में कर रहे थे, तो काम बचा कितने दिनों का होगा, 2.5 दिनों का। 8 दिनों तक तो इन्होंने निपटा दिया, काम कितने दिनों का बचा, 2.5 दिनों का। एक दिन में काम कितना होता है, 10, 2.5 दिनों में काम कितना, 25। तो हम सीधे पहुंच गए 25 पे। अब एक बार हम पूरा निकाल लें फिर 80 घटाएं, क्या मतलब है। अब इस 25 का 60% कितना हुआ, 3/5, 15 यूनिट। इसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कितने दिनों का समय लगेगा भाई, 5 दिनों का, क्लियर है। कोई डाउट हो वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए। आइए किसी एक दूसरे सवाल पे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे हम। अभी सीरीज काफी लंबी जाएगी ये टाइम एंड वर्क की। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं,
कह रहा है एक इसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। बचा कार्य सी 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बचा कार्य सी 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है ए बी और सी इस पूरे कार्य का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये मेंस 2018 का सवाल, इस बार ध्यान से देखिए। एक इसी काम का 40% 12 दिनों में कर ले रहा है, तो बी 60% 15 दिनों में कर ले रहा है। कह रहा दोनों मिलकर 10 दिनों तक साथ काम किए, बचा हुआ काम सी 4 दिनों में खत्म कर लेता है। तो कह रहा ए बी और सी इस पूरे कार्य का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ए 40% काम, 40% का मतलब 2/5, तो अगर ए 2/5 काम 12 दिनों में कर ले रहा है तो ए पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा। 12×5=60/2 30 दिन। ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा भाई, 30 दिन। बी 60% काम है 3/5, तो 15×5=75/3। बी ये पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 25 दिनों में। यहां तक क्लियर है, बस हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया 2/5 और 3/5। तो यहां से ए पूरा काम 30 दिनों में करेगा और बी पूरा काम 25 दिनों में करेगा। अब आइए यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, ए 30 बी 25, ए 30 बी 25, एलसीएम हो गया 150, 5 और 6। तो ए काम कितना करता है, 5 यूनिट, बी कितना काम करता है, 6 यूनिट, दोनों मिलकर काम कितना कर लेते हैं, 11 यूनिट। कह रहा है इन्होंने एक साथ 10 दिनों तक काम किया, 10 दिनों में काम कितना निपटा दिया, 110। काम कितना बच गया, 40। इस 40 काम को सी 4 दिनों में निपटा देता है, इसका मतलब सी 40 काम 4 दिनों में निपटा दिया, तो सी की दक्षता कितनी आ गई, 10। ये इफिशियंसी है, ध्यान रखिएगा। तो सी की दक्षता कितनी आ गई, 10। ए और बी की दक्षता कितनी है, 5 और 6। कह रहा है तीनों मिलकर इस काम का 28%, तो इस काम का 28% हुआ कितना, 50 से 2, 2 से 3, 2 से 14, तो 42। कह रहा तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 5, 6, 11, 11, 10, 21। आंसर कितना आ गया भाई, 2 दिन। बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहले हमने ए और बी के तीनों की संख्या निकाली, 30, 25, 150, 5, 6, 11 यूनिट काम। इन्होंने 10 दिन तक काम किया, 110 यूनिट। कितना काम बच गया, 40। इसको सी ने 4 दिनों में किया, सी की इफिशियंसी आ गई 10। अब कह रहा है इस पूरे कार्य का 28%, 15×28 42 काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 5, 6, 11, 10, 21। तो आंसर कितना आ गया भाई, 2 दिन। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मीन्स 2018 का ही सवाल है। कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए इफिशियंसी है ए और बी की 5:4, 5:4। कह रहे एक साथ काम करते हुए वो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 10 दिनों में ये एक साथ पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि बी अकेले काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से देखिए,
ए और बी पांच अनुपात चार, इफिशियंसी दे रखी है। एक दिन में ये पांच काम कर रहा है, ये चार काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? नौ। कहा ये दस दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया भाई? नब्बे यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? नब्बे। क्लियर है? अब कह रहा कि दस दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। कह रहा बी अकेले पांच दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? तो देखिए बी अकेले पांच दिन, अच्छा सवाल में एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि इन्होंने एक साथ शुरुआत की? ठीक है आइए, कह रहा एक साथ काम करते हुए वो उस काम को दस दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले काम शुरू करता है और पांच दिनों के बाद छोड़ देता है। ये अकेले काम शुरू करता है और पांच दिनों के बाद छोड़ देता है। तो इन्होंने, इसने पांच दिन में काम कितना कर दिया होगा? बीस। तो बीस काम करके ये छोड़ गया, तो काम कितना बच गया भाई? सत्तर। अब इस काम को किससे पूछा आपसे? ए। ए कितना काम कर रहा है? पांच। तो अगर आपको पहाड़ा याद हो तो ए सत्तर बटे पांच कितना काम कर रहा है? टोटल चौदह दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, क्लियर? आइए फिर और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेंस का ही सवाल लेते हैं। देखिए रहा ए किसी कार्य की एक तिहाई को पंद्रह दिनों में, ये भी मेंस 2018 का सवाल। कह रहे ए किसी कार्य के एक तिहाई को पंद्रह दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, और सी इसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। कह रहा है बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष ए कितने दिनों में पूरा करेगा? फिर से देख लीजिए सवाल। कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कंप्लीट 75% इन 18 डेज, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ये 75% का मतलब हुआ 75/100 या 3/4। ए पूरा काम कर देगा 15/45, बी पूरा काम कर देगा 18/72/3/24। क्लियर है यहां तक? तो ए पूरा काम 45, बी पूरा काम 24। अब आप चाहो तो इसका अपन ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो 45 × 90 इससे कटेगा नहीं, 45 × 125 भी नहीं कटेगा, 35, 45 × 4 = 180 ये भी नहीं कटेगा, फिर 45 × 5 = 225 भी नहीं कटेगा, 45 × 6 = 270 नहीं, 45 × 8 = 360 ये कटना चाहिए, 360 आठ बार गए और 24 से 15 बार जाएंगे, 240 और 120। तो ए की इफिशियंसी आ गई 8, बी की इफिशियंसी आ गई भाई 15। कह रहा है सी 36 है, ध्यान रखिएगा 36 भी था, तो सी का अगर 36 ले लेते तो सी की इफिशियंसी आ जाती 10, 45, 24 और 36 का एलसी। कह रहा है बी और सी 8 दिनों तक करते हैं, बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 25, 25 × 8 काम कितना खत्म हो गया? 200, 200 खत्म हो गया, कितना बच गया? 160, 160 करना किसको है? ए को। ए काम कितना करता है? 8, दिनों की संख्या कितनी हो गई भाई? 20। तो समझ पाया केवल इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। फिर ए बी सी तीनों का एलसीएम लिया हमने, तीनों की इफिशियंसी निकाल दी, बी और सी 8 दिनों तक कर रहे हैं, एक दिन में बी और सी काम पूरा कर देते हैं 25, 25 × 8 200 काम इन्होंने निपटा दिया, तो काम बचा कितना? 160। इस 160 काम को कौन कर रहा है? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 8। तो टोटल ए को कितना समय लग जाएगा इस कार्य को पूरा करने में? 20 दिन। क्लियर? आइए कुछ और सवालों पे बढ़ते हैं।
मैंने आपको बताया था किसी भी सवाल में दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/, ये तो सब में रहता है, मैथ्स बाय विशाल शुक्ला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट हो वहां भेज दीजिए, वहां आपको सीधे रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नहीं कह रहा ए सवाल में है, ए अकेले उतना दक्ष है जितना बी और सी, मतलब इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। कह रहा ए अकेले उतना दक्ष है जितना बी और सी। कह रहा एक साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी इसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर आगे कह रहा कि ए और सी 10 दिनों तक कार्य करते हैं, 10 दिनों तक, तो बी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। आज जितने भी सवाल हम आपको करा रहे हैं ये सब मेंस 2018 के सवाल है। ठीक है, एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं। कह रहा ए इज एज इफिशियंट एज बी प्लस सी, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 36 डेज, सी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। अब आप ध्यान से देखो, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, कब ये सवाल मैंने आपको कराया था, दूसरी या तीसरी वीडियो देखिएगा, जहां वहां हमको टाइम का रेशियो दिया रहता था और हम पलट के इफिशियंसी लिख लेते थे। यहां हमको इफिशियंसी दे रखी है, तो अब यहां क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले 36 और 60 का एलसीएम हो गया 180, तो 5 और 3, ये बात समझ में आ रही। 36 और 60 का एलसीएम 180, मतलब ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 5 है और सी की कंबाइंड इफिशियंसी 3 है, मतलब इंडिविजुअल इफिशियंसी। यहां ए और बी प्लस सी दे रखा है, यहां ए की इफिशियंसी नहीं है, ये रेशियो है। ध्यान रखिएगा कि जितना ए है उतना ही बी प्लस सी मिलके है। अब यहां बी प्लस सी अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं केवल इसको इफिशियंसी के टर्म में अगर लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं यहां ए प्लस बी था और यहां सी, ए प्लस बी बटा सी 5/3। देखिए ए प्लस बी बटा सी 5/3, और हम फिर वहीं आ गए, हमको इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। यहाँ ए बी और सी है, ये तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 2, ये तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं भाई 8, 2 यहां भी 3 ही है, यहां भी 3 ही लोग हैं, तो काम तो हमेशा बराबर होना चाहिए था। काम बराबर करिए तो ऊपर 4 का गुणा कर दें, यहां 8 है, यहां तो गुणा करने की जरूरत नहीं, तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो यहां सबकी इफिशियंसी आ गई। देखिए ए बराबर 4, बी प्लस सी बराबर 4, यानी कि सी बराबर 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी 5 है, सबकी अलग अलग इफिशियंसी आ गई, एक की 4, बी की 1, सी की 3। अब सवाल में कह रहा ये जो ए प्लस सी है ये 10 दिनों तक काम करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो काम था अभी हमने निकाला था टोटल वर्क, तो वहां 180 यूनिट था, ध्यान रखिएगा टोटल वर्क कितना था 180। कह रहे ए प्लस सी 10 दिनों तक करते हैं, ए और सी 4 और 3 7, ए और सी 7 काम करते हैं, 10 दिनों में इन्होंने कितना निपटा दिया होगा 70, काम कितना बच गया 110 का, इसको बी कितने दिनों में पूरा करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, आंसर कितना आ गया 110 दिन। कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो एक बार ध्यान से देखिए, जो जो कहा है वही वही किया हमने। पहले हमने क्या किया, हमको टाइम ने इफिशियंसी दे रखी थी तो हमने इफिशियंसी का रेशियो निकाला, फिर दोनों जगह हमने काम को बराबर किया, फिर ए और सी की इफिशियंसी हो गई 7, 10 दिन काम कर रहे हैं ये, तो 7 × 10 = 70 यही हो गया, और इसके बाद काम बच गया 110, बी की इफिशियंसी 1 है, तो शेष बचा हुआ काम बी 110 दिनों में खत्म कर देगा। क्लियर है?
चले फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए कह रहा है, ये भी मेंस 2017 का सवाल है। कह रहा है ए बी सी, ये 2017 में आया होगा। कह रहा है किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के 7.5 दिनों में कर सकते हैं। सी की क्षमता इफिशियंसी दे रखी है आपको, सी की जो क्षमता है वो ए से 3 गुना है। सी की उत्पादन क्षमता ए की क्या है? 3 गुनी है। और बी अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। कह रहा है यदि बी छुट्टी पर चला गया, बी गोज ऑन लीव, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्लियर है? फिर से समझिएगा, ए बी और सी किसी काम को 7.5 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। सी की एफिशिएंसी ए से 3 गुना है, ये दे रखा है। कह रहा है बी अकेले 15 दिनों में पूरा कर देगा, तो ए प्लस सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि बी छुट्टी पर चला जाता है? क्लियर? देखिए सी ए से 3 गुना एफिशिएंट है, सी ए से 3 गुना एफिशिएंट है। अब ध्यान से समझिए, आपसे पूछा ए प्लस सी है लास्ट में, अगर सी ए से 3 गुना एफिशिएंट है और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 7.5 दिनों में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी 7.5 दिनों में पूरा कर रहे हैं, सी ए से ज्यादा डिफिशियंट है, तो यहां मैं लिख सकता था ए प्लस बी प्लस 3a 7.5 दिनों में। इसका मतलब मैं लिख सकता था 4a प्लस बी 7.5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा, देखिए 4a में ये सी की वैल्यू 3 गुना थी, तो ए की वैल्यू भी हमने कितनी मानी है? 1। अब लास्ट में ए प्लस सी पूछा, ए प्लस सी का मतलब ही हो गया सी 3 गुना है, तो ए प्लस सी सी की जगह पे 3a रख दें, तो हमसे पूछा कितने दिनों में है? 4a। अब ध्यान से समझिए, बी 15 दिनों में कर दे रहा है, 15 दोनों मिल गए तो 7.5 दिन में हो गया। आप ध्यान से समझो, अगर मैं 1/15 और 1/15 जोड़ दू तो 2/15 1/7.5, अगर ये इफिशियंसी है तो दिनों की संख्या 7.5 ही होगी। ध्यान से समझना, यहां 4a प्लस बी की वैल्यू 7.5 दिन है, ये ध्यान रखिएगा, 7.5 क्या है? दिन है, इफिशियंसी नहीं है। तो मैं सेम चीज समझाना चाहता हूं आपको कि अगर बी 15 दिनों में कर सकता है तो बी की क्षमता होगी 1/15। अगर 4a की भी क्षमता 1/15 ही होती तो ये बाद में हमारा जाके आंसर 7.5 आता, और ये यहां भी कितना आ रहा है? 7.5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे a प्लस सी कह लें या सी ए से 3 गुना है, तो ये 4a जो मिलकर है इनको भी समय कितना लग रहा होगा? 15 दिन। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार समझिएगा, हमने बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं गए, हम सीधे आंसर आ गया। क्यों? जहां सी ए से 3 गुना है तो सी की जगह पे हम हमेशा 3a लिख सकते हैं। ए प्लस सी पूछा मतलब पूछा 4a, ए प्लस बी प्लस सी 7.5 दिनों में कर रहे हैं, सी की जगह पे 3a लिख दिया, तो 3a और a 4a प्लस बी मिलकर 7.5 दिनों में कर रहे हैं। अब बी को तो लगता है हमेशा 15 दिन है, तो देखिए दोनों को जोड़ने पे यहां 7.5 ही आना चाहिए, इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए, तो यहां क्या रखें कि वैल्यू 7.5 ही है, तो यहां 1/15 का रख रहे हैं तो यहां भी 1/15 ही रखेंगे, तभी लास्ट में आपको जाके वैल्यू कितनी मिलेगी? 7.5। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, सर ए प्लस बी प्लस सी दिया था फिर बी दिया था,
तो आपने क्यों नहीं ऊपर गुणा करके नीचे माइनस कर दिया, वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है और वहां केवल बी, तो डिफरेंस दो का हो जाता, जबकि मैंने आपको शुरू से समझाया था कि डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए था, एक का। तो इसीलिए ये वाला तरीका ज्यादा सफिशियंट होगा और आंसर कितना हो गया भाई 15 दिन। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते थे, 15 दिनों में। क्लियर है? चलिए आइए फिर एक अलग सवाल पर बढ़ते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, आज के सारे सवालों का कलेक्शन मेंस का ही किया था आज। देखिए अगला सवाल कह रहा कि ए की उत्पादन क्षमता, ये भी 2017 मेंस का ही सवाल है, कह रहा कि ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, 3:1, ये एफिशिएंसी है ए की उत्पादन क्षमता। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर लेते हैं, दोनों मिलकर, दोनों मतलब कौन, ए और सी, तो दोनों मिलकर 22.5 दिनों में कर लेते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, इन्होंने ए और सी ने 15 दिन काम किया और 15 दिन काम करने के बाद बी भी इनके साथ जुड़ गया, बी, तो बचे हुए काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे यदि बी अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। काफी बढ़िया सवाल है, फिर से समझिए। कह रहा है कि ए और सी का एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है, कह रहा है दोनों ये मिल जाए तो काम 22.5 दिनों में खत्म कर देंगे। फिर कह रहा है ए और सी 15 दिन कर लिए थे, तो आप समझो अगर ये 22.5 दिनों में काम खत्म कर लिए थे और इन्होंने 15 दिन काम कर लिया, इसका मतलब इनके 7.5 दिन का काम बचा था। क्लियर है कि नहीं? या आप ऐसे पहले समझ लीजिए कि टोटल 3+1 दोनों मिलकर काम कितना करते हैं भाई, 4। 22.5 में आप 4 का गुणा करोगे तो आपको टोटल वर्क यूनिट कितनी मिल गई, 90। 22 चौके 88 और 2, टोटल वर्क यूनिट 90 हो गई। अब सवाल में कह रहा कि बी अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो आप बी की इफिशियंसी भी यहां निकाल सकते थे। देखिए इस लाइन को मिटा दूं कि बी की इफिशियंसी हो जाती अगर बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है अकेले, 15 दिनों में, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई थी, 6, यही दे रखा था। अब सवाल में कहा कि ए और सी ने 15 दिन काम किया, ए और सी काम कितना करते हैं, 4, 15 दिनों में काम कितना निपटा दिया इन्होंने, 60, 60 काम घटा दें तो काम कितना बच गया, 30। अब आपसे कह रहा कि 30 काम के लिए बी भी इनके साथ ज्वाइन हो गया है, बी भी इनके साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, तो 6 और 4 10, तो अब इस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय और लगेगा। ये पूछा आपसे, एक बार फिर देख लेते हैं सब कि बी काम को 15 दिनों में ही पूरा कर रहा था, 6 बिल्कुल सही है, तो 30/10, एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल काम हो गया 90 यूनिट, बी 15 दिनों में कर रहा, बी की इफिशियंसी आ गई 6, तेरा ए और सी 15 दिन किए, 15 × 4 60 काम निपटा दिए, काम कितना बच गया, 30। अब इस 30 काम को करने के लिए ए और बी सी तो है ही, बी भी शामिल हो गया, ए और सी 4 काम करते हैं, बी 6 काम करता है, काम कितना करते हैं, 10, तो आंसर कितना आ गया भाई, 3 दिन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक और सवाल मेंस का ही उठाते हैं। देख रहा ए 9 दिनों में
2017 ही है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा कर सकता है यदि वो अकेले अकेले काम करते हैं, क्या यदि वो एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना परसेंट काम होगा। ए 9 दिनों में 50% करता है, बी 9 दिनों में 25% करता है। देखिए अगर मैं चाहूं दिनों की संख्या तो बदली नहीं, तो आंसर तो दिख रहा है 75%, क्लियर है। आप चाहो करके देख लो, देखिए 9 दिनों में 50% कर रहा तो ये पूरा काम 18 दिनों में करेगा। ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 18। बी 9 दिनों में 25% कर रहा तो 36 दिनों में पूरा 100% काम करेगा, क्लियर है। परसेंटेज को बदल दिया बस, एलसीएम 36 हुआ, 2 और 1 दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 3। तो 9 दिनों में काम कितना कर देंगे ये? 27। तो यही तो पूछा आपसे, 27 36 का कितना परसेंट है? 3/4, और 3/4 की परसेंटेज कितनी हो गई भाई? 75%। बस यही करना था, ठीक है। तो सवालों को ऐसे दोहराते रहिए, फिर अगली सीरीज में मिलते ही रहेंगे। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब अगली क्लास में मैक्सिमम हो सकता है हम MDH स्टार्ट कर दें, जो इसका आधा पोर्शन बचा हुआ है। तो आज के लिए फिर धन्यवाद, इतना ही। थैंक्स अ लॉट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।